लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सान्या जैन आपके साथ। मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के इंदौर में सुबह ब्लियन कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और उन्होंने ब्लियन कन्वेंशन सेंटर में मैग्निफिशेंट एमपी का उद्घाटन किया। तो चलिए इसी पर दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार सुबह ब्लियन कन्वेंशन सेंटर में मैग्निफिशेंट एमपी का उद्घाटन किया। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, उद्योगपति आदि गोदरेज, दिलीप सांगवी, संजीव पुरी, विक्रम किलोस्कर और एम श्रीनिवासन मौजूद रहे। 900 से ज्यादा जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में रंगारंग प्रस्तुति के साथ इसका आगाज हुआ। इसके बाद लेजर शो के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने वेबकास्ट के जरिए अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने मैग्निफिशेंट एमपी का शुभारंभ करते हुए कहा कि आप सभी का देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वागत है। मैग्निफिशेंट एमपी कोई मेला नहीं है, ना ही सिर्फ एमओयू साइन करने के लिए रखा गया एक कार्यक्रम है। यह प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का एक मंच है। हमारी सरकार ने 10 महीने में बहुत कुछ देखा और सीखा है। हमने यहाँ कई कार्यों को असंभव से संभव किया है। हमारी सरकार ने इंदौर और भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ किया है। प्रदेश की 70% आबादी कृषि आधारित है। सरकार में आने के साथ ही हमने 20 लाख किसानों की कर्ज माफी की है। पर्याप्त पानी मिल सके इसलिए हमारी सरकार ने राइट टू वाटर शुरू किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का टाइगर कैपिटल है। हमारा मकसद प्रदेश को उद्योगों का हब बनाना है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आप हमारे शहरों ही नहीं गांव और कस्बों में भी पहुंचे और वहां भी निवेश करें। बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, टाइडेंट ग्रुप के राजेंद्र गुप्ता, HEG ग्रुप के रवि झुनझुनवाला, ITC के संजीव पुरी, सन फार्मा के दिलीप संघवी, किलोस्कर ग्रुप के विक्रम किलोस्कर, इंडिया सीमेंट के एन श्रीनिवासन, गोदरेज ग्रुप के आदि गोदरेज, भारतीय एक्सा के राकेश मित्तल और लैब इंडिया के मार्क जेराल्ट ने भी अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।